चिकित्सा के लिए कई पद्धतियां जो पुरानी हैं उसका उपयोग और प्रयोग किया जा रहा है, उसी में से एक है आयुर्वेद। तमाम बार हमने देखा है कि आयुर्वेद पद्धति ऋषि मुनियों के समय से इस्तेमाल करी जा रही है। काफी प्राचीन पद्धति में से एक आयुर्वेद है। आज सरकार भी आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है और जो लोग नहीं जानते थे उनको ये अवेयर कराया जा रहा है कि आयुर्वेद के अंदर तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। इसी के चलते संध्या मेडिसिटी हेल्थ केयर ने अपना कैंप लगाया दिल्ली के अंदर, जहां पे इंस्टेंट पेन रिलीफ का भी ऑप्शन रखा गया ताकि लोग जान पाएं, समझ पाएं और तुरंत उनको उनके दर्द से निजात मिल पाए। तमाम लोग वहां मौजूद थे, जहां पे फार्मेसी से लेके डॉक्टर कंसल्टेंट से लेके ट्रीटमेंट और थेरेपी रूम्स भी बनाए गए थे। साइटिका, नी पेन, एवीएस सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, पैरालाइज, इस तरह की जो घातक बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ किया जा रहा था। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेके तमाम जो मेडिसिन्स हैं उसका भी स्टॉल लगा था। दिल्ली के शालीमार बाग में ये स्टॉल लगाया गया था, जहाँ पे अलग-अलग जो लोग थे जिनको समस्या परेशानी थी वो इस कैंप में आए और उनको इंस्टेंट निजात मिली। होती है वो यही होती है और कहीं बाकी जगह दूसरी गांठ होती है उसे फैट की गांठ कहते हैं। इसी के लिए नींबू करके भी मैं कराता हूँ आपकी, फिर इसमें आराम पड़ जाएगा। बताओ यही होता है? कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं समझ। इसको गर्म कुकर में रखते हैं, ठंडे में रखते हैं। चिंता नहीं, तो तजी नहीं हो रही, पहले से कम है, बहुत कम है। ओह शिट, हल्का हल्का तेज तेज। तमाम जो आपने ये ट्रीटमेंट्स देखे, इसमें ट्रीटमेंट कराने के बाद जो इंस्टेंट पेन रिलीव है उस पे भी लोगों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं, देखिए। यहाँ पे आप आए हो, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सर यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मुझे ये दिखाना है, ये हाथ पे और पैर पे चोट है आपकी, इसका हाथ का मांस फट गया है, तो ये सही हो रहा है। हनी वर्मा नाम है सर। हनी जी, क्या दिक्कत थी जो आप यहाँ पे आयुर्वेद कैंप में आए हैं? अरे नी के नीचे जो हड्डी होती है वो उसमें सूजन है, उसमें पेन बहुत ज़्यादा था। अभी ये जो थेरेपी आपको दी गई है क्या फील कर रहे हैं? रिलीफ हुआ, कितना हुआ, क्या कहेंगे? मुझे अपनी पर्सनल लग रहा है कि मेरे को 25% रिलीफ हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऊपर जो नी का भी थेरेपी होगा उसके बाद कम हो जाए। पैर रख के चल के देखो, इस वाले में भी है कुछ, बात नहीं इसको भी कर देते हैं। कहाँ है दर्द बताइए? ये है, ठीक है। जनाब बताना दर्द अब नहीं, उतर के चल के देखो आप। क्या ट्रीटमेंट आपने लिया यहाँ से? मेरे को मालिश करी है पैर की और स्पंज दबाए। तो कैसा लग रहा है मालिश? अच्छा लग रहा है। पहले दिक्कत क्या थी? पैर में दिक्कत है और सर्वाइकल है। तो आपको लग रहा है अब रिलीफ है? हाँ थोड़ा रिलीफ। जोड़ों में दर्द था जी, ये पिंडलियों में जी, ये चलते चलते थकावट हो जाती है जी बाबू जी, वैसे जाम जैसे हो जाते हैं जी बाबू जी, चला भी नहीं जाता जी बाबू जी। अब इन्होंने चंदन जी ने थोड़ा करा, बहुत रिलीफ मिला। आपको रिलीफ महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा। कंधा उठा के देखें, हल्का हुआ? मैं क्या पूछो ही ना, तेज हो गए। तेज हो गए हाँ जी, ठीक है। तो ये जो न्यूरोथेरेपी के होता क्या है, जब सर्द पड़ता है, मौसम बदलता है ना,
तो ये नसें खिंच जाती हैं, खून का सर्कुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है। बस वो खून का सर्कुलेशन उन्होंने ठीक कर दिया। जैसे बैठता हूँ मुझे लेटता हूँ एकदम उठता हूँ चक्कर आते हैं, फर्स्ट क्लास होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि लोगों ने फीडबैक दिया कि हम यहाँ आए थे और बहुत दर्द था, महीनों से दर्द था, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ मिला या फिर इंस्टेंट जो दर्द था वो आधा हो गया। इस तरह के फीडबैक्स लोग दे रहे हैं और एक तरह से लोग चमत्कार समझ रहे हैं कि आयुर्वेद में इस तरह की पद्धतियाँ मौजूद हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट मौजूद हैं जो महीनों से सालों से अगर दर्द आपके किसी भी पार्ट में है वहाँ तुरंत जो है रिलीफ मरीज को मिल रहा है। तो अग्निक्रिया आपने देखी किस तरह एक गरम करके एक हथौड़ी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट जो था उससे ठीक किया गया। तमाम मालिश हैं, तमाम तेल और तमाम जड़ी बूटियों, क्योंकि हर्ब होते हैं सारे, इसके चलते तमाम तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो देश भर के अंदर 40 से ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। संध्या मेडिसिटी हेल्थ केयर, इनसे आप संपर्क कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपकी मेंशन कर दी गई है, यहाँ आप जा सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर आयुर्वेद के हिसाब से अपने दर्द परेशानी और तकलीफों से निजात पानी है तो ज़रूर संपर्क करें। कमेंट द्वारा अपना फीडबैक भी साझा करें, इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, ये जो पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, जो लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।